राजधानी के वार्ड 32 से भाजपा पार्षद जगदीश यादव ने सराहनीय काम किया, जिसके चलते मुस्लिम समाज के लोगों ने मंगलवार को उनका सम्मान किया और उन्हें धन्यवाद भी दिया। दरअसल पूरी घटना रविवार की है, जब दोपहर के समय भाजपा पार्षद के पास फोन आया कि उनके क्षेत्र में कोई महिला निवस्त्र घूम रही है। फोन पर बात होते ही पार्षद मौके पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि एक महिला बिना वस्त्रों के सड़क पर घूम रही है। ये देखते ही पार्षद ने सबसे पास की दुकान से कपड़े मंगाए और स्थानीय महिला की सहायता से निवस्त्र घूम रही महिला का तन कपड़ों से ढका और बाद में उस महिला को पुलिस थाने भी लेकर पहुंची। एक महिला थोड़ा सा मानसिक संतुलन ठीक ना होने के कारण वो अपने घर से चली गई थी। काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे। फैसल मसूद ने अपनी जागरूकता दिखाते हुए उस बहन के फ़ोटो को व्हाट्सएप के ऊपर चलाया गुमशुदगी की, कि जिसको भी मिले वो तत्काल सूचना करें। इसी बीच में पार्षद महोदय यादव जी के संपर्क में वो महिला कहीं ना कहीं आई। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए और एक इंसानियत का परिचय देते हुए उस महिला को सुरक्षित हाथों थाने सूचना करके उसके परिवार तक पहुंचाने का कार्य किया। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हमने माननीय पार्षद महोदय जी का आज मुस्लिम समाज की ओर से सम्मान किया है। और कल दोपहर 12:30 बजे की बात है, मैं अपने कार्यालय में बैठा हुआ था कि फ़ोन पर सूचना आई कि एक महिला वहाँ पे घूम रही है। तो मैंने वहाँ जा देखा तो मैंने सोचा पहले जैन धर्म की महिला होंगी, तो वो जैन मंदिर तक गई, तब तक मैं वहाँ खड़ा रहा। जब देखा कि वो बहुत आगे जा रही हैं और फिर वापस आई, तो फिर मैं समझ गया कि कहीं ना कोई कुछ है। अब वो ऐसी अवस्था में थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, तो मैंने तुरंत उनको पुलिस चौकी के अंदर ले गया और वहीं पे लोहा पीटने वाली महिला हैं उनको बुला के उनको तुरंत न्यू मार्केट से कपड़े मंगवाए और उनको कपड़े पहनाए और उनको तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई तो पुलिस को मौके से मैंने ये कहा कि आपको गोरबी ले जाए ताकि उनकी देख रेख हो सके। थाने जाएंगे फालतू पूछताछ होगी, तो पुलिस वाले उनको गोरबी ले गए।